पे स्टार्ट करने जा रहे हैं मोका प्रो। तो यहाँ पे मोका प्रो 2020 जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है उसको हम यहाँ पे आपको ऐसा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे मोका किस लिए यूज होता है और इसका किस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। तो मोका प्रो बेसिकली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास जैसा कि प्लैनर ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। प्लैनर ट्रैकिंग का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी जैसा कि प्लेन को ट्रैक करना, ना कि पॉइंट्स को ट्रैक करना या पिक्सल को ट्रैक करना। बेसिकली यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल ट्रैकिंग हम लोग बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में या अदर सॉफ्टवेयर में जैसे कि 4 पॉइंट ट्रैकिंग या 1 पॉइंट ट्रैकिंग, 2 पॉइंट ट्रैकिंग करते हैं बेसिकली। यहाँ पे जो पिक्सल बेस्ड ट्रैकिंग होती है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन जो मोका है बेसिकली वो जस्ट एक प्लेनर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। प्लेन को बेसिकली यहाँ पे ट्रैक करता है यहाँ पे। अब प्लेन का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़, चलते हैं यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे। तो इस शॉट से जैसे कि हम ये आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप ये शॉट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इसमें सिंपल सा चीज़ है एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेन को समझने के लिए यहाँ पे कि अगर मैं सपोज इस फेस पे कोई भी चीज़ लगानी है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस प्लेन में किसी भी एरिया को ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। मे बी जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई चीज़ अगर लगानी है तो हम ये एरिया भी ट्रैक कर सकते, ये एरिया भी ट्रैक कर सकते, ये एरिया भी ट्रैक कर सकते, कोई भी एरिया इसमें ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसी प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दूसरा प्लेन है जो कि बेसिकली यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो आपको करने क्या पड़ेंगे यहाँ पे, अलग अलग प्लेन पे किसी भी चीज़ को प्लेस करने के लिए अलग अलग प्लेन को ट्रैक करना होता है यहाँ पे। और इसमें अगर जैसे सपोज अगर आप इस प्लेन को यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो इसमें कोई पिक्सल बेस्ड ट्रैकिंग नहीं होती। ये बेसिकली क्या करता है, पूरे उस प्लेन को ट्रैक करता है जो एरिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो एरिया आप बनाते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे कि अगर सपोज आपको इसको कहीं पर ट्रैक करना हो तो जैसे कि ये आउट ऑफ बेसिकली यहाँ पे फ्रेम भी जा रहा है तो भी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मोका इस यहाँ पे इसको जस्ट लाइक के प्लेन को ट्रैक कर सकता है बेसिकली। क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि पर्टिकुलर जैसे कि हम लोग अदर सॉफ्टवेयर में अगर यहाँ पे जैसे 4 पॉइंट ट्रैकिंग में एक्सप्लेन कर दूँ तो आप इस पिक्सल्स को, इस पिक्सल्स को, इस पिक्सल को, इस पिक्सल को ट्रैक करेंगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, तो वो बेसिकली क्या होगा आफ्टर सम टाइम जब वो पिक्सल स्क्रीन से बाहर हो जाता है बेसिकली तो वो फेल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मोका बेसिकली क्या करता है उस पूरे प्लेन को ट्रैक करता है, ना कि पर्टिकुलर पिक्सल्स को यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ट्रैकिंग में आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर प्लेन पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो प्लेन का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो चलते देखते हैं यहाँ पे इसको। तो ये मोका यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोका प्रो 2020 हमने बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है जिसमें आप इधर लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो पैनल सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बेसिकली जिस तरह की वर्क स्पेस जो है वो यहाँ पे इसेंशियल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग टूल्स और प्लस पैनल्स यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ये हम लोग फर्दर आपको अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे इनको अलग अलग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और इसका क्या यूज होता है। मोस्टली हम लोग इसेंशियल या क्लासिक पे वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं क्लासिक स्विच कर दूँ तो आप देख रहे होंगे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया बेसिकली यहाँ पे। तो पहले जो मोका प्रो था बेसिकली यहाँ पे वो क्लासिक व्यू में आता था, अब जो बेसिकली यहाँ पे अपडेट्स होकर आए हुए मे बी 2019 और 2020 ये सब यहाँ पे इसमें जस्ट लाइक डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो अगर आप इसेंशियल जाएंगे तो जस्ट लाइक इसेंशियल में आप सिंपल सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक जरूरत के हिसाब से यहाँ पे फीचर्स एक्टिवेट है, सारे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें कि जिनका जो मोस्ट हम लोग इसेंशियल ऑप्शंस है वो यहाँ पे सारे सारे विजिबल हो रहे हैं। तो फर्दर इसको कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं जस्ट लाइक सिंपल सा यहाँ से कोई भी एक फुटेज को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ फाइल यहाँ पे, इसमें चाहे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो भी बेसिकली क्या करेगा न्यू प्रोजेक्ट आपके पास फुटेज से ही बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लाइक ए न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सिंपल सा इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इंपोर्ट क्लिप का मतलब है सिंपल सा यहाँ पे फुटेज है यहाँ पे, तो जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास फुटेज है आप उस फोल्डर में जा सकते हैं यहाँ पे इसके लिए। नाउ आप देख पा रहे हो ये शॉट हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट है, जस्ट इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और जस्ट ओपन कर लिया। नाउ इसमें सिंपल सा आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, यहाँ से आपके पास जैसा कि फ्रेम रेंज दिखा रहा है जो फुटेज की फ्रेम रेंज है कहाँ से कहाँ तक फुटेज की रेंज है। अगर आप ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम भी कर सकते, जैसे 160 है, अगर आप 100 तक के ट्रैक करना चाहें तो यहाँ से फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स को भी जस्ट लाइक आप ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में जस्ट लाइक हमारे पास सिंपल सा 160 फ्रेम का जो फुटेज है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
देख इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिस लाइक की फ्रेम प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आपको अपने फुटेज का फ्रेम रेट पता है तो आप एग्जैक्ट वो फ्रेम रेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फुटेज है वो 29.97 फ्रेम रेट पे बेसिकली यहाँ पे इसको हमने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फ्रेम रेट बेसिकली यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिटिंग में। यहाँ पे अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोज कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको फ्रेम रेट बेसिकली यहाँ पे अगर नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जिस फ्रेम रेट पे आप इसको ट्रैक करेंगे उसी फ्रेम रेट पे आप इसको कंपोज करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा एग्जैक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है बेसिकली यहाँ पे। तो चलते हमने इसको आप इसमें चेंज कर लिया 29.97 बेसिकली यहाँ पे फ्रेम, और जस्ट लाइक हम लोग सिंपल सा इसको ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पे। और जैसे आपने ओके बेसिकली यहाँ पे प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो ये जो फुटेज है वो आपको जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो आपके पास व्यूअर एरिया है वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है कि एग्जैक्ट आपके पास ये फुटेज आपको एग्जैक्ट फिट आपके पास फ्रेम पर नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो उसके लिए बेसिकली इसमें कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सपोज जेड बटन को होल्ड करेंगे, जेड बटन से बेसिकली क्या होता है जस्ट लाइक इसमें जूम इन जूम आउट एक्टिवेट हो जाता है, जस्ट लाइक कि आप अपने फुटेज को या अपने फ्रेम को जस्ट लाइक जो व्यूअर है उसको जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो जेड बटन को होल्ड करेंगे, लेफ्ट माउस को स्क्रोल करेंगे, जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट हो जाता है यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ओनली मिडिल माउस बटन है उसके थ्रू आप जस्ट इसको पैन कर सकते हैं बेसिकली सिंपली यहाँ पे। नाउ अगर आप इसको यहाँ पे फ्रेम पे फिट करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ बैक स्लैश इस तरीके से आप जिसमें 100% फिट, और दूसरा जस्ट आपके पास एक यहाँ स्टार बटन है यहाँ पे जिसमें बेसिकली आप फुल स्क्रीन जो आपके पास फिट है यहाँ पे तो पूरे वीडियो को आपके फ्रेम में फिट कर देता है, उसके लिए शॉर्टकट है बेसिकली स्टार बटन बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और जो बैक स्लैश है वो आपके पास 100% फिट करता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा स्टार बटन है यहाँ पे। नाउ मिडिल माउस से आप पैन कर सकते हैं और जस्ट लाइक जेड बटन को होल्ड करके लेफ्ट माउस से जस्ट लाइक आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे डाउन साइड में आपके पास सिंपल से यहाँ पे टाइमलाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी जिसमें जस्ट लाइक ये आपके पास यहाँ पे फॉरवर्ड प्ले कर सकते हैं और ये आप बैकवर्ड प्ले कर सकते हैं, ये आप स्टॉप कर सकते हैं। तो नाउ इसको प्ले कर दिया तो आप देख पा रहे हो जस्ट लाइक ये फुटेज यहाँ पे प्ले हो रहा है जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट इंटरफेस ना दिखाई पड़े एक बार इसको चेक कर लीजिए तो आप सिंपल सा जस्ट लाइक यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे जिससे कि आपको कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पे दिखाई पड़े या कंप्लीट टाइमलाइंस आपको यहाँ पे दिखाई पड़े। ना इसको प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे जो आपके पास ये CTI है उसको जस्ट लाइक आप होल्ड करके स्क्रब भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आए। नाउ लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे जस्ट लाइक लेयर पैनल और ये आपके पास इसेंशियल पैनल्स में कुछ आपके पास टूल्स या ऑप्शंस आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेयर पैनल्स का मतलब ट्रैकिंग के लिए जो भी लेयर्स आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होती जाएगी यहाँ पे, जैसा कि अभी हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे। और ये जस्ट लाइक आपके पास ट्रैक करने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हैं जैसे यहाँ ट्रांसलेशन स्केल रोटेशन स्क्यू परस्पेक्टिव, ये हम लोग अलग अलग फुटेज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस को यूज करते हैं। नाउ यहाँ से हम लोग शॉट को ट्रैक करते हैं, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड और स्टॉप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा हो। ट्रैक करने के बाद हम लोग किस तरीके इसमें सरफेस को अलाइन करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है सरफेस को अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो आपके पास ट्रैकिंग डेटा जनरेट हो जाएगा तो उसको किस तरीके से अदर सॉफ्टवेयर में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो इसेंशियल पैनल में ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे वो यहाँ पे सिंपल्स एग्जैक्ट यहाँ परफेक्ट तरीके से दे रखे। तो स्टार्टिंग से हम लोग इन्हीं ऑप्शन को यूज करके शॉट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे बेसिकली एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो नाउ इसमें यहाँ पे कुछ ये सिंपल सा जस्ट लाइक कि आपके पास यहाँ पे क्रिएट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स हैं, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए सेम कुछ ऑप्शन जो भी आपके पास यहाँ पे दे रखे हुए यहाँ पे भी रिप्लीकेट हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे सेम चीज़। सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे ये क्या है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपके पास जैसा एक सिंपल सा करंट फ्रेम दिखाई पड़ रहा है कि किस टाइमिंग पे आपका CTI है यहाँ पे, और जस्ट इजीली आपको इस तरीके से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना है कि हम इस शॉट को यहाँ पे ट्रैक करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस शॉट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें करना क्या होता है बेसिकली यहाँ पे इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बेसिकली यहाँ पे कि अगर हमें सपोज यहाँ पे जो भी सरफेस है या जो भी इमेज है वो एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक आपके पास प्लेस करनी है तो हम इसमें जो प्लेन है वो बिल्कुल परफेक्ट यहीं तक क्रिएट करें, वो हम इस प्लेन में कोई भी एरिया को ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। लेकिन
जो भी एरिया ट्रैक करने जा रहे हैं वो सेम प्लेन में ही हो, ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पे वॉल में अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहें तो आप यहाँ पे साथ में इसको भी इसमें कंबाइन कर लें एग्जैक्ट इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन है और ये आपके पास डिफरेंट प्लेन है। तो जिस जगह हमें कोई चीज़ प्लेस करनी है तो हम उसी प्लेन को ट्रैक करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर, देखते हैं इसमें किस तरीके से प्लेन ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। अब प्लेन ट्रैक करने के लिए हमें बेसिकली इतना एरिया यहाँ पर लगभग लेना होता है इससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक हो जाए, कहीं आपको स्लिपिंग ना दिखाई पड़े यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ये जस्ट लाइक आपके पास अलग अलग यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे सिंपल है, जस्ट लाइक क्रिएट एक्स एक्स लाइन और जस्ट लाइक ऐड है जिसमें आप जस्ट लाइक शेप को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्रिएट के ये अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, सिंपल सा ये सब क्रिएट के ऑप्शन है जस्ट लाइक ये सेम चीज यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्टिंग में जस्ट लाइक ये फर्स्ट ऑप्शन सिंपल सा जस्ट लाइक एक्स एक्स लाइन को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिंग करने से सबसे ट्रैक करने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप किस फ्रेम से इसको ट्रैक कर रहे हैं या कहां से आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप इसको किसी भी फ्रेम से बेसिकली यहाँ पर इसको ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके पास ये फ्रेम बिल्कुल ही नहीं ना दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, तो आपको जहाँ पे आपको लगे कि आप मैक्सिमम सेप क्रिएट कर सकते हैं उस एरिया को आप बेसिकली वहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। लगभग मैं मान लेता हूँ लगभग कहीं यहाँ कहीं से मैं ट्रैक कर दूँगा आप। नाउ अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट लाइक कि इसको सेप को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो इसमें एक्स एक्स लाइन सेप है जिस तरह की एक क्लोज सेप है बेसिकली आप, ठीक है। जस्ट सिंपल सा आप क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे और जस्ट आप क्लिक करेंगे। नाउ फाइनली अभी ये सेप कंप्लीट नहीं हुई है तो एक्सेप्ट करने के लिए आप सिंपल सा राइट क्लिक कर देंगे। आप जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट एक यहाँ पे एक सेप क्रिएट हो जाएगी और ये जस्ट लाइक एक आपके पास प्लेन एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो अभी अगर आप इसको यहाँ पर ट्रैक करेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस प्लेन में इसके अंदर जो भी पिक्सल्स हैं आपके पास वो सारे सारे पिक्सल्स यहाँ पर ट्रैक होंगे, मीन्स तो पूरा का पूरा ही प्लेन ट्रैक होगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। करते हैं यहाँ पे आप इसमें अगर आप ये लिटिल बिट यहाँ पे हैंडल दे रखा अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कॉर्नर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिंपल से आप इसको एग्जैक्ट स्ट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ परफेक्ट तरीके से। नाउ क्लिक करके इस तरीके से तो कभी भी आप ये अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद, तो आप यहाँ तक ट्रैक करना चाह रहे हैं यहाँ तक ट्रैक करना चाह रहे हैं कि यहाँ तक ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से इजीली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। नाउ इसको मैं सेव कर दूँ यहाँ पर जस्ट लाइक हमने यहाँ पे सेव कर दिया इवन। नाउ जस्ट लाइक हमने सेव प्रोजेक्ट यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी तो सपोज अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया हुआ यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि इमेज तो यहाँ तक लगानी है प्लेस करें, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है कि नहीं आप एग्जैक्ट आप पूरा ही फ्रेम को ट्रैक करें, वो कहीं पर भी आप ट्रैक कर सकते हैं, बस इतना एरिया सेलेक्ट करें इससे कि परफेक्ट तरीके से ट्रैक हो जाए यहाँ पर, ठीक है। नाउ देखते हैं बेसिकली यहाँ पर ट्रैक करके एग्जैक्ट यहाँ पे। तो नाउ अब फ्रेम 58 पे बेसिकली हैं हम लोग यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग यहाँ पे। ट्रैक करने के लिए सिंपल से यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैकिंग आपके पास दी हुई है। नाउ हम लोग फ्रेम 58 पे हैं तो जस्ट हम इसको यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैक करें, देखते हैं बेसिकली किस तरीके से ट्रैक हो रहा है। तो जस्ट क्लिक ऑन यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैकिंग यहाँ पे, और सी अब आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे तो जो फ्रेम आपने बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे वो पूरा जस्ट लाइक आपके पास प्लेन ट्रैक हो रहा है और इसमें जो भी पिक्सल्स हैं वो सारे सारे पिक्सल्स ट्रैक हो रहा है बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शॉट ट्रैक हो रहा है। नाउ सी हमने इसको यहाँ पे जस्ट स्टॉप कर दिया यहाँ पे, तो जस्ट स्टॉप करने के लिए सिंपल सा जो आपके पास ट्रैकिंग के ऑप्शन है उसी में जस्ट स्टॉप यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। तो जितने फ्रेम आपके पास ट्रैक होके आ गए वो एग्जैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिटिल बिट यहाँ पे ब्लू कलर्स में दिखाई पड़ रहे हैं सिंपल सा, ठीक है। तो नाउ ये एरिया आपके पास ट्रैक हो गया और देख पा रहे होंगे जो सेप है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। इसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं तो ये एरिया कोई भी ट्रैक नहीं है यहाँ पे, तो वापस आप फिर से इसको फर्दर आगे यहाँ पर ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्लिक किया फॉरवर्ड ट्रैक पे क्लिक कर दिया, इसके बाद ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा जो रिमेनिंग आपके पास एरिया रह गया है जो भी ट्रैक नहीं हुआ उसको वहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ जस्ट हमने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया यहाँ पर, ठीक है सिंपल सा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। तो नाउ जो भी आप सेव क्रिएट करेंगे बेसिकली यहाँ पे वो सिंपल सा आपको यहाँ पे जस्ट जो लेयर पैनल आपके पास है वो जस्ट लाइक आपके पास एक
लेयर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, जस्ट एक लेयर यहाँ पे आ जाएगी बनके यहाँ पे, जिसमें आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसका जो यहाँ पे जस्ट लाइक सिंपल सा ट्रैकिंग के जो ऑप्शन है इनेबल्स वो आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक इस तरीके से जो भी ऑप्शन इवन आप रिनेम कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक डबल क्लिक करके सिंपल सा हमने यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे तो ट्रैक वन इस तरीके से, ठीक है ना। सिंपल सा जस्ट लाइक ये तो इसमें फर्स्ट मेथड साथ है किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लेन को इसको यहाँ पे ट्रैक करते हैं। सेकंड इसमें बेसिकली सिंपल सा क्या हो सकता है कि आप अलग अलग एरिया भी ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे, कभी कभी पॉसिबल होता है कि आप एक साथ पूरा फ्रेम या पूरा जस्ट लाइक जो प्लेन है इसको आप ना ट्रैक कर पाएँ, तो आप अलग अलग एरिया बना के भी ट्रैक कर सकते हैं। नाउ देखते हैं तो सेम एरिया को हम ट्रैक करने जा रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया और जस्ट लाइक जो इसकी बेस की यहाँ पर ट्रैकिंग उसको जस्ट लाइक हमने यहाँ पे बंद कर दिया, जिससे कि ये फर्दर ट्रैक ना हो, अपडेट ना हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेम चीज एग्जैक्ट यहाँ पे हमने दूसरी सेप यहाँ पे क्रिएट कर दी, तो जस्ट लाइक क्लिक कर दिया और जस्ट सिंपल सा हमने फर्स्ट एरिया सपोज ये इस बार क्रिएट किया, राइट क्लिक कंट्रोल जेड स्टेप बैक, तो अब हमें इधर का कुछ एरिया ऐड करना है तो वो भी आप जस्ट लाइक इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक सिंपल हम लोग उसी वही लेयर अपनी सेलेक्टेड उसी पे एक बार क्लिक करके और सिंपल सा यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे जस्ट लाइक लिखा हुआ प्लस, तो जस्ट सिंपल सा आप यहाँ पे उसमें चाहें तो जस्ट लाइक एरिया को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक ना। अब इसके इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि जो भी ये लेयर्स जो ट्रैक हो रही है इसमें जो डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है वो ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों ट्रैक करके कंबाइंड डेटा आपको यहाँ पे देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपने ये टू पार्ट्स में इसको यहाँ पे या टू एरिया में ट्रैक किया हो तो आप यहीं या यहीं किसी भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं, वो पूरे प्लेन में इसके डेटा को कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो नाउ चलते हैं, तो लेयर सेकंड वाली सेलेक्टेड है यहाँ पे, इसको मैं डबल क्लिक कर दूँ और रिनेम कर दूँ इन पार्ट्स, ठीक है। तो नाउ सिंपल सेलेक्टेड है, नाउ वही सेम चीज यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैक करेंगे और चलते हैं आप इसको भी यहाँ पे देखते हैं, और ये एरिया भी आपके पास यहाँ पे ट्रैक हो रहा है सिंपल सा यहाँ पे। नाउ इसको सिंपल से यहाँ पे जस्ट हम स्टॉप कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट स्टॉप, तो आप देख पा रहे हो बेसिकली यहाँ पे ये एरिया भी एग्जैक्ट यहाँ परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर लिया है एग्जैक्ट, ठीक है। बस आपको ये देखना कहीं इसमें स्लिपिंग ना हो यहाँ पे शेप में। इसके बाद बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है कि हमने आपको जैसे लाइक टू मेथड्स में यहाँ पे ट्रैक करके बता दिया कि फर्स्ट अगर इन पार्ट्स में अगर जरूरत पड़े तो आप पार्ट्स में भी ट्रैक कर सकते हैं और जैसे लाइक एक साथ भी प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हम इसके ट्रैकिंग को किस तरीके से यूज करेंगे अपने जस्ट लाइक जिस प्लेन में या जहाँ तक आप किसी फुटेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं या प्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट्स जो फर्स्ट हमने लेयर से उसको यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, जस्ट हमने सेकेंड वाले को यहाँ पे क्लिक कर दिया और फर्स्ट वाले को जस्ट लाइक इनेबल कर लिया यहाँ पे, जिससे कि आप दोनों मेथड जस्ट लाइक समझ पाएंगे कि अगर आप पार्ट्स में भी ट्रैक करें तो भी सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो नाउ सी, तो सब कुछ इतना एरिया हमने लगभग यहाँ पे ट्रैक कर लिया एग्जैक्ट यहाँ पे, तो हम लोग जस्ट इसी को बेसिकली यहाँ पे जस्ट लाइक इसको मैच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। नाउ ये इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट लाइक हम वर्क एरिया को डिफाइन कर ले रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि इतना एरिया अभी हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक किया हुआ, इसीलिए तो इसी में हम आपको जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट प्लेस करके दिखा रहे किस तरीके से इसमें हम लोग प्लेस किया जाता है। नाउ ट्रैकिंग के बाद बेसिकली हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, सरफेस। सरफेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि सरफेस जो होता है वही ये डिसाइड करता है कि इस ट्रैकिंग डेटा को आप कितने एरिया में यूज करना चाह रहे हैं या किस प्लेन उस प्लेन में कहाँ तक यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे सिंपल सा टॉप में लिखा है सो सरफेस यहाँ पे, ठीक है एग्जैक्ट यहाँ पे, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। डाउन साइड में भी लिखा, आप डाउन साइड पर भी यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे चाहे आप इस पर क्लिक करें यहाँ पर टॉप में जो ऑप्शन है, या आपके पास लेफ्ट साइड जो इसेंशियल पैनल्स में ऑप्शन है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। नाउ ये सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली यहाँ पे, यही वो सरफेस है जो ये डिसाइड करेगा बेसिकली यहाँ पे कि इस ट्रैकिंग डेटा को आपको कहाँ तक यूज करना है यहाँ पे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो नाउ अब हम इसमें ये देखते हैं बेसिकली यहाँ पे कि इस
सरफेस को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली यहाँ पे, जब कभी ऐसा शॉट हो जिसमें आपको पूरा एरिया ना दिखाई पड़े, तो हमेशा क्या करेंगे, जिस फ्रेम पे आपको मैक्सिमम एरिया दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा, वहीं पे बेसिकली हम लोग सरफेस को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। चलते आते देखते हैं कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। लगभग आई थिंक इस फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे, लगभग पूरा फ्रेम दिखाई पड़ रहा है। अभी कोई जरूरी नहीं कि आपका पूरा दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़ रहा तो भी आप प्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। नाउ हम सरफेस को प्लेस करने जा रहे हैं, तो जस्ट जो ये पॉइंट्स हैं जस्ट इनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप प्लेस करेंगे यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर। ये वो बेसिकली सरफेस है जहाँ तक आप अपने एरिया को यूज करना चाह रहे, प्लेस करना चाह रहे। नाउ जेड प्रेस करके जस्ट होल्ड करेंगे और मिडल माउस से पैन करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस करेंगे। नाउ अब बेसिकली इसमें क्या आप देख पा रहे होंगे, ये जो सरफेस है ये बेसिकली आपके इस ट्रैकिंग डेटा से चलता है। बेसिकली यहाँ पे अगर ट्रैकिंग सही होगी तो ये सरफेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस रहेगा, अगर ट्रैकिंग में मिस्टेक होगी तो फिर ये स्लिपिंग करेगा यहाँ पे। नाउ बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं यहाँ पे, तो जस्ट लाइक प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका जो सरफेस है वो यहाँ पे प्लेस है यहाँ। नाउ बेसिकली अगर इसमें आप कोई रेफरेंस के तौर पे इमेज लगाना चाहें तो वो भी आप जस्ट लाइक यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे एसेंशियल पैनल में यहाँ पे देखा वो लेयर प्रॉपर्टीज यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक लेयर प्रॉपर्टीज में आ गए यहाँ पे और सिंपल सा इसमें यहाँ पे लिखा होता जस्ट लाइक इंसर्ट, तो ये टेम्परेरी जिस तरह अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये केवल टेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें आप लगा के इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे मौका का लोगो लगा के चेक करना चाहें तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम चीज़। तो किसी भी चीज़ को आप प्लेस करके वहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ से। नाउ इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रिड दिया हो तो अलग अलग तरीके से आप ग्रिड को भी प्लेस करके देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्रिड आपके पास यहाँ पर प्लेस है यहाँ। नाउ सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या जो हमने पार्ट्स में ट्रैक किया उसमें भी सेम चीज़ सेम तरीके से वर्क हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रैक है या नहीं है यहाँ पे। नाउ फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया और जस्ट इसको यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंपल सा इसमें भी देखते हैं अपना यहाँ पे सरफेस लगा के, तो जस्ट लगा के सरफेस को ऑन किया तो आपको इसमें जैसे ही आपने इसको क्लिक किया और सरफेस को ऑन किया तो इसमें आप देख रहे हैं लगभग ये फर्स्ट एरिया में ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं, कितने भी उस प्लेन में कहीं भी इसके डेटा को ले जा सकते हैं। जस्ट जेड प्रेस किया और हम इसको उसी तरीके से प्लेस करें जैसे हमने वहाँ उसको प्लेस किया, तो बेटर है कि हम उसी फ्रेम पर देख लें जिस फ्रेम पर हमें परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ से नाउ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस कर दिया। नाउ इसको भी अगर हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेस है, इसमें भी कोई भी स्लिपिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रही होगी सिंपल सा, ठीक है। तो आप चाहे तो पार्ट्स में ट्रैक करें या जस्ट लाइक के पूरे प्लेन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये अलग अलग मेथड्स हैं मौका में, इतनी यहाँ पे फ्रीडम्स हैं, कुल मिला के आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस प्लेन को ट्रैक करना जिसमें आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना चाह रहे या प्लेस करना चाह रहे, सेम इसमें भी आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं ना। और जस्ट सिंपल सा हमने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे और अपने फर्स्ट ट्रैकर पे ही आ जाते हैं। और तो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे इस शॉट को यहाँ पे देख लिया हुआ है कि किस तरीके से हमने इस शॉट को जो अलग अलग मेथड्स हैं उसके थ्रू यहाँ पर ट्रैक किया हुआ है। इसके बाद जस्ट लाइक हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, सरफेस को लगाया है यहाँ पर, ठीक है। रिमेनिंग हम बेसिकली यहाँ पर इस शॉट को आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से इस शॉट के यहाँ पे ऑल फ्रेम्स को ट्रैक करेंगे और डिफरेंट बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें कंपोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।